हेलो दोस्तों, आप लोग का नवाबी भाई देखिए आप लोग को लेके आया आज अपने कॉलेज में, और यहीं से मैंने बचपन में अपनी पढ़ाई करी है। ये कॉलेज का नाम है कॉल्विन तालुकदार कॉलेज, और ये राजाओं के समय का कॉलेज है, और बहुत स्ट्रेंथ हुआ करते थे यहाँ पे। अभी तो ये देखिए दीवार बन गई है, वरना इसके पीछे की जो बिल्डिंग है उसमें भी पढ़ाई होती थी, और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी यहाँ पे लोगों की। और एक से एक नेता नगरी के पढ़े लिखे एजुकेटेड बिजनेसमैन सब लोग के बच्चे यहाँ पढ़ते थे एक समय में, और यहाँ पे मेरी क्लास थी। ये ऊपर मेरी थर्ड फोर्थ की क्लास थी, यहाँ मैंने पढ़ा है। और ये हम लोग के स्कूल की स्टाफ का जो टीचरों का वो होता है, ये यहाँ पे था। हम लोग की उस समय जो प्रिंसिपल थी सरकार मैम थी, जो जूनियर की थी, आज उनका महानगर में एक पैथोलॉजी है सरकार डायग्नोस्टिक के नाम से, और बहुत ही मज़ेदार कॉलेज था। बहुत ही यादें हैं यहाँ की। मैं तो स्पोर्ट्स में रहा था, तो स्पोर्ट्स का तो समझ लीजिए हब था यहाँ पे। बहुत सारी क्रिकेट की एकेडमी भी चलती है, क्रिकेट एकेडमी मैंगो फील्ड बहुत फेमस थी यहाँ पे, और क्रिकेट भी बहुत यहाँ से खेला है। और यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, जैसे कि बाबा सहगल, आपने सुना होगा बाबा सहगल यहाँ के पढ़े हुए हैं, जावेद अख्तर यहाँ के पढ़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग निकले थे। और मैं भी कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़ी गई आखिरी में आके यूट्यूब पे, और जैसा कि लोग मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में रह चुका हूँ, 4 साल मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सब लोग खुराफाती लोग ही यहीं से बने हैं, और हम भी उनमें से एक हैं। बहुत ही विशाल कॉलेज था ये हमारे समय का, यूनिवर्सिटी जस्ट पीछे है इसके, यूनिवर्सिटी के बच्चे और हम लोग के जो सीनियर थे, खूब लड़ाई हुई है उन लोग की हमारी। हम लोग जो शुरुआत में आए थे यहाँ पे, मैं और मेरा भाई आया था, मैं केजी से यहाँ पे पढ़ा हूँ, शुरुआत से पढ़ा हूँ यहाँ पे। भैया का एडमिशन यहाँ पे 4th क्लास से हुआ था, और हम लोग आए थे, मुश्किल एक ही महीना हुआ था हम लोग के आए हुए, और हम लोग को पता चला कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चों से लड़ाई हो गई और स्ट्राइक हो गया, तो स्ट्राइक हो गई, हम लोग को पता चला छुट्टी हो गई। हम लोग आराम से बैठे थे कि छुट्टी हो गई एक दो महीने की, तीन चार दिन बाद रिक्शे वाला आया, उसने कहा भैया सबको स्कूल जाना है, तो पता चला अरे स्ट्राइक नहीं हुई है। फिर कुछ दिन आए, तो कुछ दिन बाद जो है मदर टेरेसा, जो आप लोग जानते होंगे, मदर टेरेसा की डेथ हो गई, उसके चक्कर में छुट्टी हो गई। तो हम लोग यहाँ पे आते थे, कब छुट्टी हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। मेरे भाई ने पापा को कह के इस कॉलेज से हटवा दिया, क्योंकि यहाँ पे जितने झगड़े होते थे, और जब झगड़े होते थे तो मैं यहाँ पे खड़े होकर आराम से देखता था, सीनियर की लड़ाई होती थी, और कहीं ना कहीं उल्टी सीधी हरकतें मेरे अंदर भी आ गई थी कि इधर किसी को मारना उधर किसी को मारना। एक बार ऐसे ही अपने क्लास के किसी लड़के को मार दिया था, उसकी नाक से खून बहने लगा था, तब आके उसने भाई ने पापा से कह दिया कि भैया इसको वहाँ से निकालिए, वरना ये जैसे सीनियर वहाँ के हैं वैसे ये भी हो जाएगा आगे चल के। और इसके बाद मुझे भेजा गया सबसे सीधा कॉलेज जो लखनऊ का है, वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जी हाँ। उसके बाद मैंने अपनी जो पढ़ाई है 6th के बाद से CMS में पढ़ी। आज भी बहुत याद आती है, CMS तो मैं नहीं जाता, लेकिन ये जो यहाँ की यादें हैं, ये यहाँ की यादें कभी जाती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक इसके पीछे साइंस लैब था, वहाँ पे पीले रंग का अजगर था, पहली बार मैंने देखा था, बोतल में अजगर पैक था। और जब उधर जाते थे तो गिद्ध बहुत सारे थे, मोर तो आज भी देखा होगा आपने, इस वीडियो में भी देखा होगा, देखेंगे आप आगे, मोर भी इसमें दिखाए हैं, मोर भी है यहाँ पे। बहुत मज़ेदार एक इन्वायरमेंट है, जैसे कि मेरी वाइफ ने भी अभी यहाँ पे आके बोला कि बहुत मज़ा आ रहा है, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है यहाँ का। कोयल की उसकी मोर की आवाज़ तो आपको सुनाई पड़ रही होगी बीच बीच में, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। और दोस्तों मैं इसलिए आपका वीडियो बनाया हूँ कि आप लोग इसको शेयर करिए, ताकि थोड़ा सा इस कॉलेज के बारे में लोग जानें, और मैं चाहता हूँ वापस ये कॉलेज मेरा इस्टेब्लिश हो, और आने वाले समय में मेरी कोशिश करूँगा मैं कि बच्चे जो मेरे हों तो फिर यहीं पर मैं पढ़ाऊँ उनको, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये कॉलेज वापस खड़ा हो अपने दम पर। देखते हैं कुछ ना कुछ हम लोग का सहयोग होगा, जो कॉल्विन के अगर कोई बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए कॉल्विन को वापस खड़ा करने में, हमारा आपका साथ होगा तो ज़रूर ये कॉलेज फिर से खड़ा होगा। और मैं इस ग्रुप पे एक जरूर डालूंगा कॉल्विन के ग्रुप पे, ताकि कॉल्विन के बच्चे भी इसको सपोर्ट करें। और आप लोग भी देखिए, मेरे जितने साथ के हैं वो सब यहीं के पढ़े हुए हैं, महर्ष को जानती होगी तो, महर्ष, आकेब, प्रभाकर, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के पढ़े हुए हैं, तो इस जगह की मैं याद कभी नहीं भूलता, और यहाँ जाओ कभी भैया भी। और दोस्तों आप लोग भी ज़रूर आइए जो पास आउट है यहाँ के, भैया लोग को साथ थोड़ा मनोमल बढ़ाइए, क्योंकि ये लोग भी कहते हैं कि आप लोग चले गए हम लोग तो यहीं पे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग ने नर्सरी करा है, आप लोग को याद होगा, आओ आगे दिखा।
आज फर्स्ट टू मेरे ख्याल से फर्स्ट टू थर्ड सेकेंड थर्ड तक हम लोग यहाँ पे थे। दोस्तों ये बंद हो चुका है, यहाँ पे अब पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं। मैंने क्लास भी देखी है, आप लोग वीडियो में देखोगे अंदर तक दिखाया गया है जहाँ पे हम लोग पढ़े थे, आज वो एकदम अंधेरे टाइप का हो चुका है। तो कोशिश करिए इसकी स्ट्रेंथ बढ़े और हम लोग कुछ ऐसा कर पाए कि बच्चे यहाँ पे आए। देखिए यही पार्क है जहाँ पे हम लोग पीटी जो टीचर थे वो हम लोग को बॉल से वो खिलाते थे, जो बास्केटबॉल होती है उससे हम लोग गेंदताड़ी बीच में खेलते थे एक सर्किल बना के, और बीच में अधिकतर मैं जीतता था। जितने भी कॉलेज वाले देख रहे होंगे जिनको पता होगा कि अधिकतर विनर मैं ही बेहतर रहता था यहाँ पे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थोड़ा अच्छा था इसलिए हमेशा स्पोर्ट्स एथलेटिक में हमेशा मैं वो वाला सर्किल वाला गेम हमेशा मैं ही जीतता था, और सबसे ज़्यादा डंडे मैंने ही खाए क्योंकि मैं हमेशा पीटी शूज वाइट कलर का पहनना भूल जाता था। ड्रेस तो ऊपर पहन लेता था, वाइट ड्रेस पहन लेता था लेकिन शूज ब्लैक पहनता था, पता नहीं क्या आदत थी। तो ये दोस्तों वो वाला ग्राउंड है, यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारा क्रिकेट खेला है, उससे कॉपी से और बुक से, इस तरह से बहुत सारा वो एग्जाम वाला जो पैड होता था हम लोग के समय में आता था उससे हम लोग ने क्रिकेट खेला है यहाँ पे, बहुत क्रिकेट खेला है यहाँ पे। मैं तो लंच ही नहीं लाता था इसलिए कि लंच खाएंगे कि क्रिकेट खेलेंगे, तो लंच में लाता ही नहीं था कि लंच खाने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं क्रिकेट खेलता था यहाँ पे। तो बहुत अच्छी यादें हैं इस कॉलेज से। यहाँ पे एक पानी की टंकी हुआ करती थी, उसमें हम लोग बहुत आराम से पानी पीते थे, फिर किसी ने एक दिन झांका तो उसमें खूब काई लगी हुई थी। तब पता चला लोग किस तरह आ ही रहे थे, ये टंकी पता नहीं यहाँ से हट गई कहाँ गई, पेड़ लग गई थी टंकी थी। यहाँ की बहुत सारी यादें हैं, यहीं पे हम लोग खेले, हम लोग के भाई लोग वहाँ पढ़ते थे, वहाँ पे असेंबली में हेड बॉय हेड बॉय वहाँ पे खड़े होते थे, वहाँ से वो अपना जो भी था वो बोलते थे, हम लोग की लाइन यहाँ सीधी सीधी लाइन लगती थी। इधर पीछे एक वो था टॉयलेट था, इस बिल्डिंग के इस तरफ कॉर्नर पे एक टॉयलेट था, वहाँ पे एक बार हम लोग ने बम लगा के उसको उड़ा दिया था। अब वो भी उस टाइम पे जिस टाइम असेंबली हो रही थी, तो जिसपे शक आया था पूरा क्लास हम लोग का डंडे से मारा गया था, तो मैं भी था डंडे से मार गया। चलिए शेयर जरूर करिएगा आप लोग, भले ही मेरे वाले काइट्स वाले वीडियो को इतना शेयर नहीं करते हो लेकिन इसको जरूर शेयर करिएगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप लोग का भी और मेरा भी कुछ, मुझे भी खुशी मिलेगी। बाय दोस्तों। आपका स्कूल तो बहुत सुंदर है यार विकास जी। सुनिए आपकी क्लास कौन सी थी? यहाँ ये कौन सी क्लास का है? कौन सी क्लास? अच्छा 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 उधर वाले में भैया पढ़ा था आपने हैं? भैया 12 तक पढ़ा ना यहाँ पे, हम लोग ये शेड से वो लेते क्या जाने वाला इसमें निकलता बिंगो के बीच में वो था। हाँ गोल गोल छोटे छोटे थे। अच्छा इसका पेड़ इतना बड़ा होता है यार? यार इस स्कूल के अंदर तो बहुत सारे कमरे हैं।
है नवाब के टाइम का है ये। अच्छा यार, अच्छा आप वाला ये है। से ज़ूम करें, ये यही रहता ना मोर। अरे यार बोल रहा है यार, कितना सुंदर है ना। देखा पेड़ को, वो बैठा तो है, कितना प्यार। वाह यार तुम्हारे यहाँ के पेड़ तो बहुत अच्छे हैं, ये दोनों तीन चार पेड़ है। हाँ इसमें स्विमिंग पूल कहाँ है? वो अंकल बताते स्विमिंग पूल है इसमें। आपकी क्लासरूम थी कौन सी? यार मोर बोल रहा है। ये कौन सी बिल्डिंग है पीछे येलो वाली? येलो बिल्डिंग वाली यहाँ पे जो है, यहाँ से यहाँ पे जो हेड वार्ड थे तुम्हें भी मारे होंगे। अच्छा अच्छा पीछे क्लासेस होंगी इसके ना। अब इतना बड़ा बच्चे ही नहीं होंगे ज्यादा। ये बाथरूम है पूरा इतना बड़ा? अरे यार अच्छा हाँ अच्छा ये वॉशरूम है। अच्छा यहाँ आपकी म्यूजिक क्लास लगती थी? अच्छा यार ये तो अंदर पार्किंग अच्छी है। यहाँ पे हम लोग क्लासेस थी, यहाँ से पढ़ा है। अच्छा बच्चों सबकी क्लास यहाँ पे रहती थी। बहुत पुरानी बिल्डिंग है नहीं? उससे भी पहले की होगी। देखो मोर बोल रहा है, चलो बेटा तुम वहां जाके जल्दी जल्दी झूला झूल लो। ये क्या है? ये ऑफिस है क्या? ये अच्छा ये उस दिन तो वहां पे दो मोर बैठे थे जब हम पहले आए थे तो, है ना? धीरे से झूलना, टन्ना नहीं लगाना। अंकल यहाँ अभी भी पढ़ते होंगे ना बच्चे? तो इधर क्लासे लगती हूँ। आजकल तो छुट्टी। बहुत अच्छा है। कहाँ ये? ये भैया हाल था। हाँ म्यूजिक यहाँ पे होता था। म्यूजिक क्लास खत्म हो गई। अरे अच्छा वो म्यूजिक सिखाती थी क्या? हाँ।
उनका हॉस्टल भी था वहाँ पर। अच्छा अच्छा इधर पढ़ते नहीं होंगे ना आप, इसमें बेंचे तो हैं? मैम सब ये पहले सब जब भैया निशन करते ये सब क्लासेस थे, ये सब क्लासेस जी अच्छा। पूरा जी अच्छा और क्या, इतना अच्छा लगता था, बहुत सुंदर लग रहा है स्कूल पूरा कॉलेज में जाते पूरा। ये लोग के समय में तीन गेट मैम खुलते थे यहाँ पे, भैया लोगों के समय में तीन गेट, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर। अरे अच्छा समय इतनी भीड़ होती थी कि चाहे मैं और उसको लड़ाई होती थी पीछे तो म्यूजिक रूम हो गया भैया। अच्छा ये हो गया तो बिल्कुल वो हो चुका जी, कोई ढंग का कोई आए तब इसको चला पाऊंगा। अब है भैया इस साल थोड़े बच्चे बढ़े हैं, इस साल कुल बच्चे आइए समय अच्छा कॉलेज में सब पूरा। तो ये बिल्डिंग तो अच्छी है देखो, बिल्डिंग तो कहीं जा नहीं सकती, राजाओं की बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो किसी प्राइवेट की होती तो अभी तक कोई ले लिया होता। ये है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है। हम लोग समय में हम लोग इसके पीछे से कूद के भागते थे वहाँ से जो क्रिकेट एकेडमी उसके पीछे वाला जो उधर न्यू हैदराबाद की तरफ गेट है वहाँ से गोला दे दे के भागते थे। उधर भी क्लासेस चलती थी पहले, नहीं यूपी बोर्ड के पीछे एक छोटी क्लासेस थी, हम लोग वहाँ से आए थे पढ़ते थे। ये मैंगो फील्ड है, मैंगो फील्ड के पीछे, मैंगो फील्ड के पीछे थी छोटी चलती क्लास, अब पता नहीं है अब तो बिल्कुल आवाज। हाँ हाँ आवाज था, वो तो था ये तो जीना है यहाँ तो ऊपर सीढ़ी गई छत में, पता नहीं क्या था ऊपर। और ये बगल में जो है आजकल के बच्चे खाना खाते थे, अब वो शूटिंग रेंज हो गया है। अरे अच्छा हो गया, ये दो क्लासेस पहले साहिल मैम भैया बच्चे के लिए किनारे वाली क्लास में थी, ये सब पहले फुल नहीं था। शूटिंग वोटिंग कोई हुई यहाँ पे कि नहीं हुई? शूटिंग हुई है। हाँ शूटिंग भैया हुई है, कई शूटिंग हुई है। हाँ सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही कराएंगे अंकल सोचे। हाँ आप लोग का भी तो वही इसी पे है टिका हुआ पूरा, जब आप लोग बच्चे अपने बच्चों को लेकर आइए। ये मेरे को बताते ना इस स्कूल की बातें, याद भी रहेगा कि हाँ हम भी यहीं के पढ़े हुए हैं। वो है थोड़ा स्पोर्ट तो अच्छा हो गया यहाँ का, स्पोर्ट तो हमेशा से अच्छा रहा था। बच्चों का अनुग्रह है भैया इसमें, इतना अनुग्रह अच्छा अनुग्रह। देखिए कैसे क्या होता है सुनिए, आगम की तरह मेरी तो फाइनली भी नहीं। ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिकेट की, फास्ट बॉलिंग की, बैटिंग की। ये देखिए बरगद का पेड़, इसकी लताएं देख रहे हैं आप कितनी जमीन को छू रही है, वाओ सो ब्यूटीफुल। ये बहुत पुराने पेड़ हैं लेकिन हैं बहुत अच्छे। ये अपने आप में एक बहुत सुंदर, देखिए आपको मोर की आवाज सुनाई देगी अभी थोड़ी देर में। अभी यहीं कहीं मोर भी है, शायद हमको मोर दिख जाए। ये हैं विकास जी सुनिए कैसा गड्ढा, ये है तो कुआं। अरे ये कुआं है यार, ये क्या है? वही बंद कर दिया गया, ये कुआं था, ये बंद
ये बंद क्यों कर दिया? बैठो नहीं। अच्छा यहाँ पे यहाँ पे वो करा है। क्या केजी फर्स्ट नर्सरी? अच्छा यहाँ पे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बिल्डिंग है। बहुत पुरानी है? नहीं अच्छी है, बहुत पुरानी। सौ साल पुरानी? 122 साल पुरानी। यार यहाँ कहीं मोर बोल रहा था, आपको दिख रहा है क्या? बोल तो रहा था, कहीं पेड़ में छुप के बैठा होगा। अरे देखिए ये क्लास, चलिए ग्राउंड में चलिए, वहाँ सामने से लेंगे इसका फोटो। आयुष तुम ये झूला झूल सकते हो? अभी हम झूलेंगे यार। इस बिल्डिंग में कौन रहता है? हाँ शायद कोई स्टाफ का रूम मिला होगा किसी को, गवर्नमेंट क्वार्टर। अभी क्वार्टर्स बन गए होंगे ना? तो आप हम लोग भाग के जाते थे, ये पीछे का गेट है, यहाँ से ये यहाँ पे वो था बना ना। कहाँ भाग के जाते थे आप? यही पीछे गेट है, यहाँ से भाग के हम लोग भाग जाते थे गोला दो से। फोर्थ फ्लोर में पहुंचे, थर्ड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में यहाँ से भाग जाते थे गोला दो। ये है पीछे गेट है, यहाँ टूटा हुआ था। अच्छा यहीं से भागो, यहाँ न्यू हैदराबाद है। अरे हाँ ये बिल्डिंग दिख तो रही है, देखिए थोड़ी थोड़ी उधर से। दो दिन खस्ते लाए तो इधर ही पीछे लगा था। अच्छा तो आपको कैसा लग रहा है आज आपके पुराने स्कूल में आके? मुझे बहुत कूल लग रहा, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नई एनर्जी आ गई है। वाओ, पता था कि मैं यहाँ आ जाऊंगा। यहाँ तो सही बात में कॉलविन में ख्याल से मैं आ चुका हूँ लगभग पास, मतलब यहाँ से निकलने के बाद 6-7 बार आया, लेकिन इस जगह पे नहीं आया क्योंकि यहाँ से मैंने शुरुआत करी थी इस कॉलेज की। आज मुझे याद केजी या नर्सरी की क्लास यहाँ लगती, वहाँ से हम लोग प्रेयर वहाँ होती थी, वहाँ से लाइन लगा के यहाँ से ये घूमते हुए यहाँ आते थे। अच्छा ये मैंगो फील्ड जानते हो, इसको कहा जाता है मैंगो फील्ड। यहाँ पे मैंगो के पेड़ बहुत है, देखो यहाँ पे भी है। हाँ ये सब आम के पेड़, बहुत पेड़ है, पहले तो बहुत हुआ करते थे। ये भी आम का कितना बड़ा पेड़ है, ये तो बहुत बड़ा पेड़ है आम का, बहुत वाओ। वैसे करो नहीं चल उस पे पूरा नहीं आएगा। इधर देखो, उधर भी देखो मैंगो, वो है पेड़ आम के बहुत सारे। अरे देखिए ये वाला पेड़ कितना पुराना है, ये जो व्हाइट वाला है जिसके बीच में वो है, आओ देखें पास से देखें। कह दो ना ये सब कम से कम 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, उससे भी हो सकता ज्यादा हो। जावेद अख्तर यहाँ पड़े हुए समझ लो, वही कितने पुराने होंगे। हाँ यार 64-70 साल के तो वही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये पेड़ नीम का है। नीम का पेड़? हाँ नीम का पेड़। ये नीम का पेड़ ऐसा हो जाता है इतना पुराना होने के बाद? ये देखो गुफा बन गई बीच में। हाँ यार ये तो आम का पेड़ है। नहीं, हाँ, ये भी नीम का है, नीम का भी। ये भी नीम का है, ये भी नीम का है। वाओ आई थिंक ये सबसे पुराना पेड़ है ना? हो सकता है, देखो पुराने की तरह सफेद ये भी हो गया है। हो गया। मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। आप लोग भी अपनी यादें ताजा करने के लिए अपने कॉलेज जरूर जाया करिए।